हेलो दोस्तों, हम ये हल्द्वानी से खेलना की तरफ को जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़क का किस तरह से नज़ारा बना हुआ है, और ये देख सकते हैं आप झरना अभी भी पानी बह रहा है सड़कों में, और पूरी सड़क देख सकते हैं आप किस तरह से टूट के खंडर हो रखी है। और ये लंबा जाम जो है बहुत भयंकर वाला लगा हुआ है। ये कैंची से नीचे रातीघाट की तरफ को है, और दोनों तरफ की गाड़ियाँ बहुत भयंकर तरीके से फंसी हुई हैं। लोगों को आधा आधा घंटा हो गया यहाँ पर खड़े खड़े, काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और आप देख सकते हैं आज आपदा के 10 दिन पूर्व भी किस तरह से सड़क का बदहाल स्थिति में पड़ी हुई है। सड़कें पूरी नीचे से टूटी की टूटी आप देख सकते हैं। जो यात्री हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से रोड पूरी तरह से खंडर हो चुके हैं नीचे नीचे से, और ये लंबा जाम जो है पूरी सड़क में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह यात्री फंसे हैं बसों में, छोटी गाड़ियों में। एक बहुत भयंकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से जाम, आधा आधा एक एक घंटे से लोग फंसे पड़े हैं। सब की सब गाड़ियाँ ये खड़ी हैं, और ये देख सकते हैं पूरी तरह से रोड नीचे की तरह से क्षतिग्रस्त हो रही है। ये पाटली का नज़ारा है खैरना भुजान से ऊपर, और ये फिर देखिए जाम। बहुत भयंकर जाम लगा हुआ देखिए। फाइनली हम आप पहुंच गए हैं खैरना झूला पुल मेढक पत्थर के पास पे। यहाँ पर भी रोड बहुत ख़राब हो रखी है देख सकते हैं आप। तो वीडियो अपने और मित्रों को भी शेयर कीजिए, और अगर आप हल्द्वानी से खैरना गर्म पानी का अप डाउन कर रहे हैं तो संभल के आइए।